नमस्ते। मैं आज अमेठी और रायबरेली आया हूँ। मैं पहले अमेठी हूँ और गौरव अवस्थी जी मेरे साथ हैं, बहुत सीनियर पत्रकार, इस क्षेत्र को अपने, जिसको कहते हैं ना, हथेली की तरह समझने वाले, हथेली की रेखाओं की तरह, रायबरेली और अमेठी दोनों को। गौरव जी, स्वागत है आपका। मैं अमेठी इसलिए आया गौरव जी कि अमेठी में कुछ अजीब चीज़ हुई है। एक कांग्रेस के पुराने वर्कर केएल शर्मा जी को टिकट दिया गया है। सबको उम्मीद, हम सब लोगों को उम्मीद थी कि राहुल गांधी लड़ेंगे। स्मृति ईरानी का कहना है कि राहुल गांधी भाग गए। पूरी बीजेपी की टीम कह रही है, मोदी जी कह रहे हैं कि डरो मत। तो ये जो राहुल गांधी भाग गए हैं, मैं उस पर बाद में आऊंगा। पहले केएल शर्मा क्या बहुत वीक उम्मीदवार हो गए हैं? अब स्मृति ईरानी के लिए केक वॉक है, वॉक ओवर है उनको? नहीं, डे वन से जो अनाउंसमेंट हुआ, ये तारीख 3 थी जब अंतिम दिन था नॉमिनेशन का, तो कार्यकर्ताओं को थोड़ा सा झटका लगा कि राहुल गांधी नहीं है और केएल शर्मा को दे दिया। लेकिन चूंकि केएल शर्मा उनके लिए नए नहीं थे और गांधी परिवार का मतलब केएल शर्मा यहाँ के आम लोगों के लिए, कांग्रेस के सामान्य कार्यकर्ता के लिए गांधी परिवार का मतलब केएल शर्मा है, तो वो बहुत शॉकिंग कुछ उनके लिए न्यूज़ नहीं थी। और केएल शर्मा को आप देखेंगे तो डे वन से लोगों ने, कार्यकर्ताओं ने हाथों हाथ लिया। तो ऐसा नहीं है कि वो डमी कैंडिडेट है या स्मृति को टक्कर नहीं दे सकते, और ये जनता यहाँ पर इस तरह की बातें कर भी रही है। जी गौरव जी, मुझे एक दूसरी चीज़ ये बताइए कि स्मृति ईरानी अब ये मानती हैं कि वो तो अमेठी की रहने वाली हैं, उन्होंने घर खरीद लिया है, उनके पास आधार कार्ड है। तो क्या किसी जगह पे घर खरीदना या आधार कार्ड ले लेना, ये माना जाएगा कि वो यहाँ की हैं? क्योंकि केएल शर्मा का भी कहना है कि उनका भी एक लंबा कैरियर है। वो 91, 92, 93 में राजीव गांधी जी उनको यहाँ लाए थे, और वो कह रहे हैं कि तब से मैंने इस जगह को ही अपना घर बना लिया है। मैं इस पर भी जरा समझना चाहूँगा। इसको थोड़ा सा आप अपनी बात पे करेक्शन करिए, 91-92 नहीं, 1983 में राजीव गांधी उनको यहाँ लेके ले आए आए थे। थे। 41 ईयर्स का उनका अनुभव है। अच्छा, और रायबरेली अमेठी उनके अपने घर की तरह है। वो जिस घर में चले जाए कि आज आपके घर में हमें रात बितानी है, तो वो कार्यकर्ता, वो आदमी अपने को सौभाग्यशाली समझने लगता है कि आज शर्मा जी ने हमारे यहाँ रुकने का हमें मौका दिया है, अवसर दे रहे हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है, घर बनाने से नहीं होता। कि अभी हमारे घर का कोई मेंबर बॉम्बे में रह रहा है, तो हम भी फख्र से कहते हैं कि बॉम्बे हमारा घर है। तो रायबरेली अमेठी में जो 41 साल से व्यक्ति आ रहा है और लोगों की सेवा गांधी परिवार के माध्यम से कर रहा है, उसको घर के बाहर का कहना, हमें लगता है कि कुछ अभी इसमें नाइंसाफी टाइप की है। गौरव जी, एक मेरा थोड़ा स्वार्थी सवाल है और हमारा आपका दोनों का स्वार्थी सवाल है कि स्मृति जी ने यहाँ के एक पत्रकार के साथ जो व्यवहार किया था, और वो मैं इसलिए बार बार नहीं भूल पाता हूँ कि हमारा आपका काम प्रश्न पूछना है। हो सकता है वो प्रश्न किसी को बुरा लगे, हो सकता है अच्छा लगे। और मैंने वो पूरा वीडियो देखा, उससे भी संपर्क भी किया। उसने कोई ऐसा गैर वाजिब सवाल नहीं पूछा था, उसकी भाषा में कहीं आक्रामकता नहीं थी, लेकिन स्मृति जी ने उसकी नौकरी खा ली। और ये पत्रकारों की नौकरी कोई 2-4 लाख रुपए महीने की नहीं होती है, छोटा पैसा मिलता है, छोटा परिवार रहता है। मैं थोड़ा इस पे ये भी चाहूंगा कि कहीं आपको नहीं लगता है कि पत्रकार बिरादरी में वो आक्रोश होना चाहिए जो नहीं है? मैंने नहीं देखा। जैसे अभी आपने देखा कि वो पत्रकार साथी जी उनके आक्रोश का शिकार हो गया, केवल कि उसने ये एक ईमानदार सवाल पूछा और आपको ईमानदार जवाब ना देते, आप जवाब ही ना न देते। देते तो नौकरी खाने का अधिकार क्या है कि ये जो पेशेंस का मामला है, गांधी परिवार और स्मृति ईरानी में यही अंतर है। गांधी परिवार चाहे तो पता नहीं कितनों की नौकरी खा जाए, लेकिन वो इस पर विश्वास नहीं करता। अभी तक हमने ऐसा कोई एग्जाम्पल सेट नहीं देखा कि कहीं पर वो अपना पर्सनल इंटरेस्ट लेके या नाराज होके या इस तरह से। और स्मृति जी पत्रकार साथी, और आप भी जो आपने कहा कि 4-5 लाख रुपए मिलता है, आप इस बात को जमीनी तौर पे और अच्छी तरह से समझ लीजिए कि जो स्टिंगर्स काम करते हैं उनको एक पैसा नहीं मिलता है। वो केवल एक छोटे से सम्मान के लिए, छद्म सम्मान के लिए सोसाइटी में उठने बैठने की एक उनको एक मिल जाती है लाइसेंस कि चलिए हम किसी से मिल बैठ के बात कर सकते हैं। इस छोटे से सम्मान के लिए काम करते हैं और अपना योगदान देते हैं पत्रकारिता के माध्यम से, और उस पे भी अगर कोई डंडा चलाता है तो ये उसकी छोटी तबीयत की बात कही जाएगी। जी और स्मृति जी का ये एक व्यवहार केवल एक पत्रकार के साथ नहीं है,
यहाँ तो शायद कई एग्जाम्पल उन्होंने ऐसे छोड़ रखे, उदाहरण दे रखे हैं कि जिससे भी मना है, यही उनका व्यवहार के चुनाव में उसको रिपे भी हो रहा है। मैं एक इस अमेठी का एक और सवाल अंतिम कर लूं। केएल शर्मा साहब स्टैंडर्ड था कि रायबरेली बैठते थे, चुनाव का संचालन करते थे, गांधी परिवार का कोई व्यक्ति चुनाव लड़ता था उसको जिता के भेजते थे। यहाँ पे इस बार थोड़ा थोड़ा रोल रिवर्स हो गया है। यहाँ पे केएल शर्मा साहब चुनाव लड़ रहे हैं और प्रियंका गांधी कह रहे हैं कि मैं उनके चुनाव का प्रबंध कर रहे हैं। तो इस पे एक आपकी छोटी टिप्पणी ले लें कि देखिए, केएल शर्मा तो निजी बातचीत में हमेशा हर एक से कहते रहे कि मैं चुनाव लड़ा अच्छा सकता हूँ, लड़ नहीं सकता, लेकिन जो जिम्मेदारी दी गई और जिस तरह से वो चुनाव उन्होंने मैनेज किया है, वो ये उनकी काबिलियत ही मानी जानी चाहिए। और प्रियंका गांधी ने जो पहले दिन नॉमिनेशन में कार्यकर्ताओं के बीच में वायदा किया कि मैं यहाँ डेरा डालूंगी, तो वो डेरा डाले हुए हैं, अपने वायदे को पूरा कर रही है और शायद चुनाव में उसका अच्छा परिणाम भी उनको मिलेगा। मिलेगा। गौरव जी, एक और अंतिम प्रश्न इसलिए क्योंकि मैं जाऊंगा रायबरेली। शर्मा जी के अमेठी शिफ्ट हो जाने से रायबरेली के चुनाव के प्रबंधन में थोड़ी दिक्कत नहीं आ रही, क्योंकि मैं यहां से वहां जा रहा हूं, क्योंकि उनकी समझी हुई वो राजनीति, मैं इस राजनीति को मैं भी किया हुआ हूं, मैं समझा हुआ हूं। उनके हटने से वहां के प्रबंधन में थोड़ी दिक्कत हो रही है। प्रबंधन में बड़ी स्वाभाविक बात है कि प्रबंधन में दिक्कत आ रही होगी, लेकिन वहाँ पर रायबरेली हो या अमेठी, जनता चुनाव लड़ती है गांधी परिवार का, और उसमें अगर कुछ कमी बेसी रह भी जाएगी तो वो जनता माइंड नहीं करती है और जनता उसको दूर भी कर लेती है। अब रही बात ये, तो गांधी परिवार को सोचना ही उनके हिस्से की सोचने की बात थी कि वो केएल शर्मा को मैदान में ला रहे हैं, तो हमारा प्रबंधन कुछ कमज़ोर होगा, लेकिन उनके पास इतने लोग हैं कि वो प्रबंधन हो सकता है। उन्होंने उनकी ये रणनीति उनको ज़्यादा अच्छी लगी होगी कि हम स्मृति ईरानी को बजाय राहुल से टक्कर दिलाने के हम केएल शर्मा से दिलाएं, तो उन्होंने उस रणनीति को अपनाया है, जी तो उसके दूसरे प्रबंध उन्होंने कर रखे होंगे। नहीं, लेकिन गौरव जी, इसी से एक प्रश्न ये है कि ऐसा मैं बहुत से लोगों से रास्ते में, चाय की दुकान में, किसी बड़े नेता से नहीं, लेकिन लोगों को ये कहना था कि अमेठी से शायद इस बार राहुल गांधी को वो अभूतपूर्व जीत मिलती, क्योंकि उनका कहना है कि एक तो राहुल गांधी के प्रति, स्मृति ईरानी के प्रति गुस्सा, और राहुल गांधी के प्रति ये कि भाई एक बड़ा नेता था, यहाँ रहता था, यहाँ की कोई चोर कई नहीं होती थी, लोगों के दुख दर्द सुनता था, वो थोड़ा प्रायश्चित कह लीजिए या वो कह लीजिए वो शायद रायबरेली से उतनी बड़ी जीत नहीं मिलेगी जो अमेठी से मिलती है। देखिए, यहाँ आपकी बात में सच्चाई भी हो सकती है, बहुत अनुमान आपका सही भी हो सकता है कि रायबरेली में वो लीड ना मिले, अमेठी में ज़्यादा मिलती, लोग उनके लिए और ज़्यादा वोकल होके आते, लेकिन वो जीत मायने इसलिए नहीं रखती जो केएल शर्मा के जीतने में होगी। जी तब एक एग्जाम्पल सेट करेगा गांधी परिवार कि स्मृति जी का जो दम्भ था कि हम गांधी परिवार को हम अमेठी में आने नहीं देंगे, तो वो ये एक एग्जाम्पल सेट करना चाहते हैं कि आप पहले हमारे विश्वास पात्र से निपट लीजिए। अगर राहुल गांधी उनको बहुत लंबे अंतर से हरा देते तो वो इतिहास नहीं बनता, लेकिन अगर किशोरी लाल जी के माध्यम से वो स्मृति को हरा ले गए तो तो इतिहास वो बन, इतिहास बन जाएगा, ठीक बात, मैं इस बात से वो करता जिस हूँ, तरह का इतिहास 2019 में स्मृति ईरानी ईरानी ने ने राहुल बनाया, गांधी को, ठीक ठीक बात, वो इसका एक रिपीट गेम खेल रहे हैं। भी हो सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद गौरव जी बात करने के लिए, और मैं अब रायबरेली जा रहा हूँ, वहाँ पे देखते हैं कि वहाँ की क्या स्थिति है। मेरे साथ प्रहलाद मिश्रा साहब हैं और मैं रायबरेली की धरोहर तिलक भवन में हूँ। तिलक भवन मतलब डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी का दफ्तर, जिला कांग्रेस कार्यालय, और मेरे साथ प्रहलाद जी के जो पिताजी थे मिश्रा जी, वो कम से कम 30-40 साल, एक दो नहीं 30-40 साल इस जिले को उन्होंने अपने काम से और उससे सवारा है। यहाँ के डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस प्रेसिडेंट बहुत लंबे समय तक रह गए। प्रहलाद भाई, मुझे शुरुआत में कर रहा हूँ जरा फिरोज गांधी साहब, क्योंकि जैसा आपने कहा कि आपने भी फिरोज गांधी साहब के साथ काम किया है। मैं फिरोज गांधी साहब यहाँ पर बेलीगंज में किराए पर मकान में ऊपर रहा करते थे, और उनकी एक खासियत थी कि वो ज्यादा समय यहाँ देते थे, तो उनके यहाँ पूरे शहर से जो कांग्रेसियों से है भोजन
की व्यवस्था रहती थी टर्न बाय टर्न। तो मुझे सौभाग्य मिला है कि जब मेरे घर में टर्न होता खाना बनाने का तो मैं उनके लिए खाना ले जाता था जी, और वो शाम को पूरे शहर में किसी न किसी क्षेत्र में किसी नेता के यहाँ उनका भोजन होता था। तो फिरोज साहब के बारे में एक मशहूर था कि घर से वो अकेले निकलते थे और जो भी मिलता था तो बोलते थे चलो उनके यहाँ भोजन है, तो पहुंचते पहुंचते वो 15 लोग हो जाते थे, तो उनकी आदत को लोग जान गए थे, तो सब लोग 15-20 लोगों की व्यवस्था बनाते थे और उनका इसीलिए पूरे शहर से बहुत बड़ा कनेक्ट था जी। फिरोज गांधी साहब के पास फोर्ड गाड़ी होती थी, अच्छा, तो पूरी भर के उससे ले जाते थे। मुझे भी बचपन में एक बार सौभाग्य मिला उस फोर्ड गाड़ी में जाने का। मैं प्रहलाद जी एक चीज और करके इसको, क्योंकि करंट पे बात करेंगे, मुझे ऐसा लगा जितने लोगों से मैं मिला कि फिरोज गांधी के प्रति जो प्यार आप लोगों का है वो शायद वहां से, ये जो सारा परंपरा है और वह है वो वहां से है जी। यहाँ पर वैसे फिरोज गांधी साहब 1952 का चुनाव लड़े थे, लेकिन पिताजी बताते थे जब जवाहरलाल नेहरू आए थे पहली बार 1921 में, तो इस रायबरेली की शहर में कार नहीं होती थी, तो पिताजी बताते थे कि यहाँ के जो तालुकेदारों के पास कार थी वो अंग्रेजों के डर से किसी ने कार देने से मना कर दिया, तो कोई एक मुस्लिम फेलो थे जिनके यहाँ गाड़ियों की रिपेयरिंग होती थी, तो जब हम लोग उनके यहाँ गए मोटर मांगने के लिए कोई हो जाए तो उसने कहा मोटर तो नहीं एक लारी है जो बनने के लिए खड़ी है, तो हम लोग वो लारी लेके गए और पिताजी बताते थे उसी लारी पर खड़े होकर जवाहरलाल जी ने वहां भाषण दिया था। इतनी याददाश्त पिताजी की बताई मुझे पता। प्रहलाद जी अब मैं एक चीज करूंगा, राहुल गांधी आ गए हैं यहाँ कैंडिडेट होकर और ये उस परंपरा से आए हैं कि भाई सोनिया गांधी जी ने आप लोगों के यहाँ बहुत लंबा समय किया जी, जी। और देश में जो सोनिया गांधी जी की आज नेताओं में जो इज्जत है आप लोगों को कभी कभी कमी खलती है सोनिया जी की, बिल्कुल उनसे आप लोगों का संबंध मतलब इस यहाँ उनको बहू माना जाता था कि बेटी की, मेरा ख्याल है उनका जो संबंध है वो इंदिरा गांधी से कम नहीं। अच्छा जी, और उन्होंने जो राजनीति में शालीनता जो यहाँ बनाए रखी और संपर्क बनाए रखा और जो उनकी विनम्रता थी वही उनकी ताकत जी जी। अब जरा इस समय अगर मैं, क्योंकि ये सिलेक्शन के बारे में तो कहा यहाँ इतनी गहमा गहमी है, बाहर बहुत भीड़ है, हम लोग अंदर आके बात कर रहे हैं, ये जिला का तो यही हेडक्वार्टर है, एक चुनावी कार्यालय और है, अगर मौका लगा तो वहां पे भी जाएंगे। ये माना जा रहा है कि राहुल गांधी जी ने लास्ट मिनट में आके आप लोगों को चौंकाया कि आप लोगों को अच्छा लगा कि भाई कम से कम नहीं। देखिए हम लोगों को तो निजी तौर पर मैं कह सकता हूँ कि यहाँ पर गांधी फैमिली का किसी न किसी को लड़ना ही था चुनाव, क्योंकि जब सोनिया गांधी जी ने इस्तीफा दिया तो उन्होंने जो लेटर लिखा था उसमें लिखा था मेरा पारिवारिक संबंध बना रहेगा जी, तो उस लाइन को अर्थपूर्ण जो उसका जिस था वो लोगों को समझ था, और मुझे ये भी पता था कि सोनिया गांधी इस जिले से अपना संबंध कभी खत्म नहीं करेंगी, और इसीलिए उन्होंने अपने बेटे को सीधा यहाँ पर चुनाव है और ये सोनिया गांधी जी का निर्णय है जी, मुझे ऐसा लगता है। ठीक बात है, ठीक बात। मैं एक और अंतिम प्रश्न कर लूं, आप लोगों के साथ ही रहे हैं बहुत लंबा समय तक यहाँ वो किए किशोरी लाल जी जी, उनको अमेठी भेजा गया है। किशोरी लाल जी के बारे में मैं ये कह सकता हूँ कि मेरा उनका संपर्क करीब 35-40 साल जब से वो यहाँ आए तब जी, से जी, अमेठी से भी पहले वो अमेठी में राजीव गांधी के साथ कोऑर्डिनेटर होके आए जी जी जी। लेकिन मैंने जो उनका काम करने का तरीका देखा वो बहुत ही विनम्र और बहुत ही समझदार और उनकी पैनी नजर बहुत, वो असली कार्यकर्ता को बहुत जल्दी समझ जाते हैं, और उनके साथ जो सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है कि वो सबकी मदद करते हैं, निगेटिव अप्रोच उनका है ही नहीं, और वो कर्मठ है और बहुत मेहनती आदमी है, और ज्यादा लंबी चौड़ी बात वादे और ये सब वो नहीं करते, जो कर सकते हैं वही वादा करते, और रायबरेली के बारे में और अमेठी के बारे में उनको गांव गांव में कौन आदमी कांग्रेस से जुड़ा है, पुराना है नया है, और नई गतिविधि किस पार्टी में चला गया फिर लौट के आया उनको सब पता है, और वो अच्छे आदमी है, याददाश्त उनकी बहुत अच्छी है और लोगों के बारे में पहचान भी उनकी बहुत अच्छी। नहीं तो स्मृति जी के बारे में, स्मृति ईरानी के, भाई वो इतनी बड़ी एक्ट्रेस है, इतनी बड़ी मंत्री है,
मेरा ख्याल है अगर काम करने के लिहाज से तो स्मृति ईरानी उनका बिल्कुल मुकाबला नहीं कर पाएंगी। अच्छा। किशोरी जी जमीन पर काम करने वाले हैं और रायबरेली में जो ये विकास कार्य है इसकी जो अंदर से फीडिंग है कहाँ क्या होना चाहिए, कहाँ क्या जरूरत है, इस फीडिंग को किशोरी जी ही तय कर। मैं एक अंतिम प्रश्न पूछ लूं, आपको इस इलेक्शन में पहली बार ऐसा है कि रायबरेली में किशोरी जी नहीं है तो उनकी कमी महसूस हो रही है कभी कभी? निश्चित मुझे तो महसूस हो रही, लेकिन किशोरी जी ने जो इस्टेब्लिशमेंट बनाया है 240 साल का मेरे पिताजी के साथ से, वो इस्टेब्लिशमेंट ही अभी काम कर रहा है। निश्चित ही कुछ नए लोग आके जुड़े हैं, लेकिन किशोरी जी वहां से बैठ कर भी यहाँ का मॉनिटर करते कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद प्रहलाद जी बात करने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू धन्यवाद।